कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसेशन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आपका 2023 में एग्ज़ाम होगा, यानी जो जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, यानी 14 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप बहुत ही कम समय है आपके पास, प्रिपेयर हो जाइए और सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, जो भी डाउट है आप उनको क्लियर कर लीजिए, ताकि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, आप पढ़ के जाए, एक नए क्वेश्चन एग्जाम को आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो पढ़ के जाए। और तो ये जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्जाम होगा, उसमें 100 मार्क्स के मैट्रिक मैथ्स के पेपर होंगे, 100 मार्क्स के, आप सब जानते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही अहम रोल है, तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ्स, आप ही के मैथ्स, जिसको एनसीईआरटी कहते हैं या बीटीसी कहिए, उसी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो उसी त्रिभुज चैप्टर से आज हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके MBD जो गाइड आता है ना, MBD गाइड है क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए अच्छा गाइड है, या रामबान गाइड है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ नए क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आइए इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं एक करके, और आप भी पढ़िए, एग्जाम में जाकर के 100% मार्क स्कोर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि यह किसका कथन है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये बात कहा था, किसने कहा था, थेल्स ने, याद रखिएगा, ये थेल्स साहब ने कहा था। पाइथागोरस को तो आप जानते हैं, पाइथागोरस साहब ने कौन सा कांसेप्ट दिया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगा उसका स्क्वायर उसे समकोण बनाने वाले अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ये पाइथागोरस साहब ने कहा था। न्यूटन साहब को तो आप जानते हैं, न्यूटन के गति के नियम है, और आर्यभट्ट को आप जानते हैं, जीरो का उन्होंने खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, आइए क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। 20 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में, ये क्वेश्चन जो है ना ये रॉन्ग है, क्या है क्वेश्चन, रॉन्ग है, ये गलत क्वेश्चन है, चलते अगले क्वेश्चन में समझ नहीं दिया। 21 देखिए, 21 कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो वर्ग की भुजा निकालना था, भाई साहब सीधा होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुने क्या होता है, भुजा, √2 गुने भुजा, और √2 ने भुजा यहाँ पर मुझे विकर्ण मुझे दिया हुआ है 16√2, तो √2 से √2 कटा, तो भुजा डायरेक्ट क्या बचा 16, तो रूट की भुजा निकालना 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 है, 22 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है ABC और DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसके ABC और DEF यानी एरिया का रेशियो क्या होता है, हम सभी जानते हैं एरिया का जो रेशियो होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो डायरेक्ट उसके भुजा का स्क्वायर होगा, तो ABC का भुजा है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर बट्टा जो DEF का है 3, तो 3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 36/3 या 9 काटेंगे तो 4/1, यानी ये फाइनली क्या बना 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला 23 को देखिए, 23 कह रहा है चित्र में PQ यहाँ पर दिखाई दे रहा, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पहला पार्ट हो चुका, ये पार्ट 2 है ना, ये मैंने कह रहा भूल गया, ये पार्ट 2 है, पहला पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन देखा था, आज हम 19 से लेकर के 38 तक का सॉल्यूशन हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम इससे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 इसका, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा था पार्ट 1 जा करके देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल का भूल भी सकते हैं, तो होशियार है मेरे मोबाइल चला जानते हैं। चलिए, तो PQ दिया हुआ, यहाँ पर PQ देखो फिर गलती कर दिया, देखो क्या बनाया, अरे भाई साहब PQ पैरेलल होगा BC, क्या होगा PQ, ये PQ आप सोचो दिया हुआ है क्वेश्चन, PQ बराबर है BC के, कई बराबर हो सकता है, तो कितनी बड़ी रेखा है, कितनी बड़ी रेखा कैसे बराबर हो जाएगा, है इतना बड़का चीज, इतना बड़का चीज़ के बराबर हो जाएगा, अरे होगा, कभी नहीं होगा ना, तो फिर कभी नहीं होगा, तो देखो PQ पैरेलल होगा BC के, जब PQ पैरेलल है BC के तो AB बराबर क्या है 2 और PB है 6, यानी रेशियो क्या बन रहा है 1:3 बन रहा है, 1:3 क्या बन रहा है 3, तो यहाँ पर PB दिया हुआ है 6,
छः दिया हुआ है पीबी, ये पी सॉरी ये पीबी छः दिया हुआ है, अच्छा पीबी छः ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है थ्री, पी क्यू ये तो क्यों लिखा मैंने, ये फालतू लिख दिया भाई साहब फालतू लिख दिया, ये थ्री दिया हुआ है, पी क्यू क्या दिया हुआ है थ्री, और आपसे कुछ का पीछा कौन जा रहा है बी सी, तो ये बी सी आप जानते हैं ये बड़ा त्रिभुज का भुजा है, बड़ी त्रिभुज का भुजा, यानी ये पूरा का अगर इसको देखोगे तो जैसे मान लो आप ले लो कि ट्रायंगल ले लो आप ए पी क्यू, एक ट्रायंगल ले लिया ए पी क्यू है ने, और नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, तो अगर इसमें आप भुजा का अनुपात देखेंगे तो ए पी क्यू में क्या बनता है भुजा एक एक बना ना, और ए से लेकर के बी तक क्योंकि एक ट्रायंगल हम बड़ा ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी में यहाँ पर एक और यहाँ पर तीन यानी चार, एक रेशियो चार बन रहा है भुजा का, एक रेशियो चार बन रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि ये दो है और ये तीन है, तो दो से छः कटा तो एक तीन बचा, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि ए पी बट्टा पी बी क्या होगा, ए पी बट सॉरी ए पी बट्टा ए पी बट्टा ए बी क्या होगा, तो ए पी हुआ आपका एक है ने, और ए बी कितना हुआ, ए से लेके बी तक कितना हुआ, ए से लेके बी तक हुआ ये पूरा हुआ ये चार हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक तीन है, यहाँ से यहाँ तक एक है, तीन एक चार, एक बटा चार ना हुआ, एक बटा चार हुआ तो जो रेशियो बटा चार है वही रेशियो यहाँ भी होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा एक, यहाँ से यहाँ कितना होगा चार, और वही रेशियो यहाँ भी होगा ये एक, तो ये कितना होगा चार, एक अनुपात चार बन रहा है, तो देखिए पी क्यू अनुपात बी सी अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, एक अनुपात क्या कहोगे चार, तो अगर एक को यहाँ पर मान क्या दे दिया तीन दे दिया, जिसको हम एक मान रहे हैं वो तीन है, जिसको आप चार मान रहे हैं वो कितना के बराबर होगा बारह के बराबर है ने, जिसको ये चार मान रहे हो, अगर एक को आप तीन कह रहे हो एक किया तीन तो चार को क्या कहोगे बारह, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बारह, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बारह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम पैरेलल एफ जी है, यानी एल एम जो है सो पैरेलल है किसके एफ जी के, ये इसके पैरेलल है, एल एम पैरेलल है एफ जी के, और एल ई आपको चाहिए, एल ई कहाँ है भाई साहब एल ई, ये मुझे चाहिए ये हमको चाहिए, तो आप इधर देखो क्या रेशियो देखो, इसको आप काटोगे तो क्या बनेगा वन रेशियो क्या बनेगा थ्री, यानी हम देख रहे हैं कि ई एम बट्टा एम जी का जो रेशियो बन रहा है ई एम बट्टा एम जी का वो एक रेशियो तीन बन रहा है, तो इधर भी बनेगा एक रेशियो तीन, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो थ्योरम प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ई एल बट्टा एफ एल, यानी ई एल बट्टा एफ एल जो होगा वही क्या होगा ई एम बट्टा क्या होगा ई एम बट्टा क्या होगा एम जी, कह रहा है ना, तो यहाँ एक अनुपात तीन बन रहा है, यहाँ भी एक अनुपात तीन बनेगा, और तीन का वैल्यू यहाँ पर 7.2 दे दिया, तो देखो 3.7 के बराबर है तो एक क्या होगा 2.4 होगा, और 3.7 तो एक क्या होगा 2.4, तो इधर तो मुझे एक ही चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, यानी यहाँ भी रेशियो बनना चाहिए, देखो यहाँ रेशियो बना अगर एक बट्टा तीन का तो यहाँ ही बनना चाहिए ना एक बट्टा तीन का, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना बराबर होना चाहिए, तो 2.4 ही तो इसका सही आंसर है जो इसको बनाएगा, क्योंकि अब देखो सीधा आप क्या करना है ऐसा क्वेश्चन में, जब भी ऐसा पैरेलल दे दे और मान लीजिए एक इधर वाला एक साइड का रेशियो दे देगा एक साइड का रेशियो पूछेगा, तो आप रेशियो बनाना देखो एक अनुपात तीन, तो यहाँ बनाओ एक अनुपात तीन, तो कौन सा ऑप्शन रखोगे तो एक अनुपात तीन बनेगा, तो 2.4 रख देंगे तो एक अनुपात तीन बन जाएगा, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर होगा दोनों साइड का, तो ये 2.4 ही इसका क्या है, नहीं आप पाइप प्रोसेस बनाओगे तो लो भाई हम लिख देते हैं ई एल बट्टा एल एफ बराबर होगा ई एम बट्टा क्या होगा एम जी होगा, और ई एल का वैल्यू पता नहीं उसी का तो निकालना है एक्स मान लेते, इसको क्या मान लिया एक्स, एक्स बट्टा एल एफ कितना है 7.2, इधर हो गया 1.8, ई एम क्या हो गया 1.8 और एम जी क्या हो गया 8.5.4, काटो एक बट्टा कितना आ गया तीन, तीन से यहाँ काटो 2.4, एक्स का वैल्यू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2.4, वही ना है क्यों इतना दिमाग लगाना भाई साहब, डायरेक्ट यहाँ रेशियो देखो वही रेशियो यहाँ बनाओ क्या रखोगे बी रखोगे, ऑप्शन उससे उड़ा दो सीधा हवाई एरोप्लेन बनाओ हवा हवाई बना दो, 25 देखो 25 कह रहा है कि इसमें मुझे ए का वैल्यू चाहिए, और ये जो है ये पैरेलल है किसके एल पैरेलल है हमके भाई साहब, तो एल पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल जानते हो कौन सा कौन होगा, इस वाले कौन को हम कहते हैं कौन सा कौन संगत कौन, कौन सा कौन बोलते हैं संगत कौन, और जब दो हम इतना कॉन्सेप्ट जानते हैं सर कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटे जो संगत कोण होता है वह क्या होता है, संगत कोण का जो पेयर होता है वह क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब ये हो गया सर कि 4a प्लस 40 डिग्री बराबर होगा कितना के 3a प्लस कितना डिग्री के 60 डिग्री के,
आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 4a-3a, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 60° - 40°, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20°, जो कि आंसर है, कहाँ या तो है यही ना, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, डी सही है, सॉरी सी नंबर ऑप्शन सही है, कितना डिग्री, 20°। ठीक है, अगला 26 देखो, 26 देखो कितना आसान है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, तो हमने बना लिया एक त्रिभुज ABC बना लिया, लो ABC, और कहा दिया AC² तो A बना दिया, C बना दिया, AC² यहाँ पर हमने B रख लिया, कह रहा है क्या AC² बराबर है किसके, AB² प्लस किसके, BC², तो भाई जब AC² बराबर है AB² और BC² के, तो ये कौन सा प्रमेय हो गया जानते हो, ये कौन सा प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं, पाइथागोरस का विलोम काम करेगा यहाँ पर, नहीं उसके विलोम से क्या हुआ कि अगर एसी का स्क्वायर इसके स्क्वायर जो इसके स्क्वायर के बराबर है तो एसी के सामने का जो एंगल होगा वो 90° का होगा, तो एंगल बी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90° का, ये पाइथागोरस का विलोम से काम किया। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई साहब, बी, ये 90°, सी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया 90° के बराबर। ठीक है, अगला 27 देखो, 27 कह रहा है कि यदि दो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भाई साहब 5:8 है नहीं, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो भुजा का अनुपात क्या होता है, सीधा इस पर क्या चढ़ा देना, सीधा का सीधा ऐसे रूट लगा देना दोनों पे, तो 25 का अनुमूल 5, 64 का 8, 5 बट का है भाई, या ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक, 28 देखो, 28 कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर संपूर्ण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, ABC एक, लो ऐसा बना दिया, लो ABC एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर संपूर्ण है, तो ABD है ना, सी पर संपूर्ण है 90°। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो भाई जब सी पर समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये तो कर्ण होता है, ये तो समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो ये कभी तो बराबर होगा नहीं किसी भुजा के, बराबर तो यही दोनों हो सकता है, तो ये दोनों मान लो बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा AB² जो होगा वो बराबर होगा किसके, AC² के, और प्लस किसके, BC² से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहता पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो AB² = आपको पता है कि ये और ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो AC² और BC की जगह हम क्या डाल सकते हैं, AC, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है बराबर है, तो AC² देखो फाइनली आ गया AB² = 2AC², तो कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, AB² = 2AC² ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 29 देखो, 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है, 29 त्रिभुज PQR में यदि PQ² = PR + RQ² है तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, देखो त्रिभुज है PQR, इसका मैं ट्रिक बता दूं सीधा सा कि त्रिभुज PQR है तो PQ² बराबर क्या है, PR² + RQ² त्रिभुज का कौन सा कोण, देखो कौन सा कोण, EP और Q जो रहेगा ना इसको छोड़ देना, तीसरा कौन बचा, त्रिभुज का नाम क्या है PQR है ना, PQR इसमें P और Q का जो स्क्वायर है उस PQ को छोड़ देना, तीसरा कौन बचा, R ही होगा समकोण, ये ऑप्शन नंबर सी, लो खत्म, जिसका स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजा का स्क्वायर के जोड़ के रहेगा ना, यानी कर्ण का जो स्क्वायर लिखा रहेगा कर्ण का, तो कर्ण में बिंदु P है और Q है, तो PQ को छोड़ दो, तीसरा जो बच रहा है वो R ही होगा इसका आंसर। अब देख लो एक बार ऐसे, जैसे ये बना तो ये कर्ण होगा, अगर PQ का स्क्वायर हो रहा है अन्य दो भुजा का जोड़ के बराबर है तो PQ तो कर्ण होगा, तो कर्ण होगा तो P यहाँ हुआ, ये P एंगल हुआ, ये Q हुआ, तो एंगल R ही नहीं ये हुआ तीसरा एंगल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट 30 देखिए, 30 क्या कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और PQR है, परिमाप 36 cm और 24 cm, अच्छा यही क्वेश्चन जो पहले एक बार फंसा था, त्रिभुज ABC बट्टा त्रिभुज कौन सा PQR, इसका परिमाप का रेशियो क्या दिया हुआ है सर 36/24, तो जो परिमाप का रेशियो होता है वही उसके भुजा का रेशियो होता है, तो भुजा PQ तो नीचे में, ये PQR तो नीचे में है, तो नीचे में 10 डलाएगा ऊपर में 8, काट लो 6 8 किससे कटेगा ये 36 / 24 है, 12 से कट जाए,
12 + 36 12 × 24 2 से काटो 2 × 5 = 10 एक्स वैल्यू क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स वैल्यू क्या आ गया 15 5 का मल्टीप्लाई हो गया 3 से 15 आ गया ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर या तो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर ठीक है। चलिए 31 देख लो 31 को ऑप्शन से निपटा देंगे समीकरण कुछ नहीं बनाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन से निपटाएंगे। कहता है कि किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो देखो यहाँ तो बराबर है नहीं 45 + 90 हाँ है बराबर है लेकिन बराबर तो है चलो बराबर यहाँ भी है यहाँ बराबर नहीं है कट गया यहाँ बराबर नहीं है दो ऑप्शन बचा हमारे पास एक ऑप्शन बचा कौन एक बचा बी ये दोनों कट गया ठीक है। चलिए अब कहता कि दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो ये तो पहला और दूसरा में हो रहा है ठीक है। अब यदि दो कोनों का अंतर 50 है देखो इसका अंतर तो 50 है नहीं तो ये भी कट गया एक ही ऑप्शन बचा 70 + 20 जाएगा तो 50 बच रहा है और दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है ये ऑप्शन वैलिड है ऑप्शन नंबर बी और बी इसका सही आंसर। चलिए 32 देख 32 कह रहा है कि दो समान कोणीय त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है ये किसने कहा था ये थेल्स साहब ने कहा था कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है ऑप्शन नंबर सी है ये थेल्स साहब का ठीक है। अगला है 33 देखिए 33 कितना आसान क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है आइए समझते हैं कि यदि ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है लो भाई साहब हमने एक त्रिभुज बना दिया ए यहाँ पर लिख दिया बी यहाँ पर लिख दिया सी इसमें पैरेलल है डी ई पैरेलल है बी सी के लिए यहाँ पर डी लिख दिया ये इसको पैरेलल करवा दिया ठीक ए डी बटा डी बी ए डी है 5 और डी बी है कितना 3 ए डी बटा डी बी और हमसे पूछा ए ई बटा ए सी हमसे पूछा ए ई बटा ए सी पूरा बड़ा तो ए ई अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा और यहाँ तो नीचे वाला 3 है और हमसे पूरा पूछ रहा है तो ये पूरा कितना होगा 8 तो आपसे पूछा ए ई तो ए ई का वैल्यू क्या आया 5 देखो ए ई यहाँ से यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 और ए सी तो यहाँ 5 था ये 3 × 5 = 8 ये पूरा टोटल 8 हो गया तो यहाँ भी आता है ये 5 / 8 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया सही आंसर ठीक है। चलिए 34 देखिए 34 क्या कह रहा है 34 कहता है कि ये दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 / 9 के अनुपात में है भुजा का अनुपात इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा भाई साहब भुजा का अनुपात दिया सीधा इसका स्क्वायर कर दो 4 / 16 = 9 / 81 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया सही आंसर 4 / 16 = 9 / 81 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ठीक। 35 देखिए सभी वर्ग होते हैं आपसे पूछा सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं और सर्वांगसम भी हो सकते हैं है नहीं समरूप तो होते हैं नहीं सॉरी सर्वांगसम नहीं होगा क्योंकि वर्ग एक बड़ा छोटा तो हो सकता है ना तो संभव ही नहीं है लेकिन समरूप सारे वर्ग होंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 36 का ए क्योंकि ए बी सी में डी पैरेलल बी सी लोग ऐसे बना देते हैं लोग ऐसे ए है नहीं बी है सी है मैं डी ई पैरेलल बी सी है यहाँ पर डी कर यहाँ पर ई कर दिया डी पैरेलल बी सी है ए डी बटा डी बी 3/5 है 3 है और डी बी क्या है 5 है तो हमसे पूछ लिया ए सी 5 ए सी जो है ए सी ये पूरा ये कितना है 5.6 cm तो ये देखो ये अनुपात है अगर यहाँ 3/5 बन रहा है इस साइड तो यहाँ भी 3/5 ही बनेगा तो टोटल अनुपात में कितना हुआ 8 तो 8 जो अनुपात में टोटल 8 बन रहा है वो कितना के बराबर है 5.6 के तो 8 हुआ 8 देखो 8 का वैल्यू हो गया अगर मान लो 8 को मान कर दिया 5.6 तो ए का वैल्यू क्या होगा 8 × 56.7 तो आपसे पूछा किसका है भाई साहब ए का तो ए का मान होगा कितना ए कहाँ है ए 3 भाग है तो 0.7 से जब इसमें 3 में गुना कर दोगे तो 7 किया क्या जाएगा 21 2.1 हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ऐसे ही बना सकते हो अगर ये भी अच्छा नहीं लगा आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई साहब लो त्रिभुज है ए है बी है सी है यहाँ पर आप दे दिया डी यहाँ पर दे दिया ई देखो क्या दिया है ए डी बट्टा डी बी ए डी बट्टा डी बी आपका क्या दिया हुआ है सर 3/5 तो यही रेशियो बनेगा किसका ए ई बट्टा ए सी का रेशियो बनेगा है कि नहीं अगर यही रेशियो बनेगा ए बट्टा ए सी का लेकिन हमको तो ए सी बननी चाहिए हमको तो यहाँ वैल्यू दिया है ए सी का तो ए सी कैसे बनेगा है नहीं तो ए बटा ई सी है सॉरी ये ए बटा ए सी अब ये कैसे बनेगा ए सी कैसे बनेगा ए सी बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा है कि नहीं क्या मुझे जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा फिर हमको क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा ए का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा है नहीं निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा इसको उलटना पड़ेगा थोड़ा लंबा समय लगेगा आप इसको उलटिए फिर 1 ऐड कीजिए दोनों तरफ तब जा करके ये बनेगा है नहीं आपको उलटना पड़ेगा 5/3 करना पड़ेगा और ई सी बट्टा क्या करना पड़ेगा ए ई करना पड़ेगा 1 जोड़िए इधर भी 1 जोड़िए इधर 1 जोड़िएगा तो उस साइड हो जाएगा 8/5 इधर हो जाएगा क्या
एसी बटा क्या हो जाएगा, एसी बटा हो जाएगा आपको एई, है ना, एई हो जाएगा, यही आपको चाहिए। तो इसको एक्स मान लीजिए, इसका वैल्यू रहेगा, एसी का वैल्यू कितना रहेगा, 5.6, 856.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 3 था, सॉरी 3 देखो यहाँ पे 3 है, 3 आएगा, तो 7 या 21 2.1 आंसर आ जाएगा। तो इतना क्या सोचना भाई साहब, मैंने सीधा बता दिया आपको, डायरेक्ट ऑप्शन में डी टिक कीजिए, कैसे बताया आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप ये सेशन, सॉरी और क्वेश्चन है क्या, ये 36 लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है 37, यही ना 37 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो दो समत्वभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अरे भाई साहब 4:16 या तो है, 9:81 यही तो होगा, भुजा का अनुपात दिया तो सीधा स्क्वायर कर दीजिए, वो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, वो कोई कहने की बात नहीं है। तो असल में डी इसका क्या हो गया सही आंसर, ठीक है। तो चलिए, ये 37 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है आपके, ये ज्यामिति चैप्टर जिसको कहते हैं, जो त्रिभुज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, तो ये चैप्टर आज हम पूरा कर लिया, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए क्या भाई फ्री में पढ़ ले, लूट ले, है ना, 100% मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।